हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम देखेंगे फूली हुई सॉफ्ट पूरी कैसे बनाते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर अपडेट्स। पूरियां बनाने के लिए मैंने ये 150 ग्राम गेहूं का आटा ले लिया है और 100 ग्राम मैंने मैदा ले लिया है। दोनों आटे को मिक्स करके हम ये पूरियां बनाएंगे, जिससे बहुत ही सॉफ्ट और फूली फूली पूरियां हमारी बनेंगी। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। नमक अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है। अब हम इसमें पानी डालते जाएंगे और आटे को रोटी की तरह घुन लेंगे, लेकिन हमने थोड़ा पतला आटा नहीं घुनना है, हल्का सा कड़क आटा घुनना है हमने पूरी के लिए। देखिए, इस तरह से हमने मुक्के मारकर इसे घुन लेना है अच्छी तरह से, ताकि हमारी जो पूरियां हैं वो सॉफ्ट बने। देखिए, मैंने थोड़ा सा कड़क ही आटा गूंदा है और अब हम इस पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। अब रोटी की तरह मैंने इसे गोला बना लिया है, जिस तरह से हम रोटी के लिए बनाते हैं, और हल्का सा हम आटा इसके ऊपर लगा लेंगे। सूखा आटा ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का ही लगाना है। और हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे, लेकिन रोटी हम ज़्यादा पतली बेलते हैं अगर आप, तो हमने एकदम ज़्यादा पतली नहीं बेलना है, नहीं तो पूरियाँ हमारी कड़क हो जाएगी। और देखिए, पूरियों को मैंने रोटी की तरह बेल लिया है। अब हम ग्लास से इसे कट कर लेंगे। आप कोई भी चीज़, धारदार चीज़ ले लें और उससे कट कर सकते हैं, गोल शेप का कुछ भी ले सकते हैं। मैं ग्लास का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से एक साथ हमारी 4-5 पूरी निकल जाती है ऐसे। और ये बीच में से मैं स्टार निकाल रही हूँ, ताकि आप अपने बच्चों को भी दें और वो ज़रूर पसंद करेंगे इसे। और ये देखिए, हमारी पूरियाँ बेलकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। या आप इस तरह से छोटा गोला लेकर भी डायरेक्ट एक पूरी बेल कर भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने छोटा एक गोला लिया है, उसके ऊपर मैं तेल लगाऊंगी। और फ्लावर ना लगाए आप, तेल लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से, और इसे मैं बेल लूँगी। इस तरह से गोल शेप में हमने इसे बेल लेना है। और देखिए, हमारी पूरी इस तरह से भी आप बना सकते हैं। छोटा सा हमने गोला लेकर उसे बेल लेना है तेल लगाकर। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल को मैंने अच्छा गर्म होने दिया है, और तेल गर्म होने के बाद मैंने मीडियम फ्लेम पर कर दिया है। और इस तरह से पूरी डालने के बाद हम इसे ऊपर की तरफ टच करेंगे, जिससे पूरी हमारी फूल जाएगी। और इसे पलट लेंगे। जब भी आप पूरियों को सेकें तो मीडियम टू हाई फ्लेम रखें, फास्ट फ्लेम ना रखें। और ये देखिए, हमारी फूली हुई पूरी बन के रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी पूरियों को भी फ्राई करेंगे। जब आप तेल में डालें तो इस तरह से टच करें, ताकि वो फूल जाए। ये देखिए इस तरह से, और फिर इसे टर्न कर दे, ताकि दोनों तरफ से पूरी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और ये हमारी सॉफ्ट और फूली हुई पूरी रेडी हो गई है। अब इसी तरह से हम बाकी के भी बेल लेंगे। और मैंने जो स्टार बनाया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ फ्राई कर कर। और ये देखिए, आप इसे इसी तरह से ज़रूर ट्राई करें। और बाकी की भी सब पूरियाँ हमने बेल ली है और सेक लिया है, फ्राई कर लिया है। आप इसे इसी तरह से ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।